नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजी राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बीजेपी नेता शाला अध्यक्ष परस वर्मा के द्वारा स्कूल अंदर घुसकर स्कूल स्टाफ के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जी आपको बताएं कि यह मामला बेमितरा क्षेत्र का है, जहां पर बेमितरा जिले के नवगढ़ विकास खंड का हाई स्कूल संबलपुर में 30 अगस्त को 12:30 बजे स्कूल में घुसकर भाजपा नेता परस वर्मा संबलपुर के द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ गाली गलौज व मारपीट किया गया है। यह पूरा मामला बेमितरा जिले के संबलपुर हाई स्कूल की बताई जा रही है। आपको बताएं कि शिक्षकों को धमकाया और शराब के नशे में धुत था। इस दौरान आपको बताएं कि मारपीट की घटना को अंजाम देने वाला परस वर्मा, वर्मा जी के पावर को नहीं जानते तुम लोगों की नौकरी खा जाऊंगा, मैं स्कूल भी बंद करवा सकता हूं बोलकर सभी छात्र छात्राओं को स्कूल से भेज दिया। लिखित शिकायत के बाद भी स्कूल स्टाफ के डर का माहौल बना हुआ है। आपको बताएं कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल दास बघेल का यह करीबी बताया जा रहा है। नहीं, ये स्कूल वाले आवेदन दिए हैं चौकी में, उसको जांच में रखे हैं, जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है सर? वैसे ये जो स्कूल में जो परस वर्मा के द्वारा जो गाली गलौज करके हाथापाई किया है, ऐसे करके इन्होंने आवेदन दिए हैं, उस पर से अपन जांच करेंगे, जांच पर से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 12:30 बजे करीबन की घटना है कि हमारे जो आरएमएस के अध्यक्ष परस राम वर्मा ने, और वो मेरा पढ़ाया हुआ शिष्य है, उनसे बात बोला कि तुम हमारे शिष्य होते हो, ऐसे बदतमीजी कैसे करते हो? अबे मैं बड़ा हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे अंडर तुम हो। शराब पिया हुआ था और आके हमारे टीचर को मारपीट करने लगा। मैं भाजपा का नेता हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, ऐसे करके वो टांग गंदे गंदे शब्दों से वो गालियाँ देने लगा। और मैं देखता हूँ तुम लोगों को, मेरे को अभी जानते नहीं हो, इस तरह से सर को हम लोग पुलिस में शिकायत कर दिए। मेरे को क्लास से लेकर के रेलवे करके बुला के ऑफिस में मेरे मारपीट करने लगे, कुछ नहीं बोले। मैं बोला क्या बात है, कैसा कुछ पूछा तो एकदम से ये करने लगे और आके बाकी सर लोग मैडम लोगों के साथ भी बदतमीजी करने लगे, भी खा के एकदम से। बहरहाल शिकायत के बाद अब तक कार्रवाई तो नहीं हुई है, पर देखने वाली बात होगी कि क्या वीडियो के वायरल होने के बाद और इस समाचार के आने के बाद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है या फिर इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं आरजी राम झाझर न्यूज छत्तीसगढ़, मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।